भारतीय चिकित्सा संघ का नई कार्यकारिणी का चुनाव आज सीतापुर हॉस्पिटल स्थित आईएमए के कार्यकाल करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव आज सीतापुर हॉस्पिटल स्थित आईएमए के कार्यालय पर सकुशल संपन्न हुआ। 2 बजे से शुरू मतदान प्रक्रिया के बाद हुई मतगणना में डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव अध्यक्ष, डॉक्टर ए.एन. त्रिवुल उपाध्यक्ष और डॉक्टर आनंद अग्रवाल निर्विरोध महामंत्री चुने गए। इस संबंध में गोरखपुर नी से बात करते हुए चुनाव अधिकारी डॉक्टर ए.के. सिंह और नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, थैंक यू। हम लोग 33 सेलिब्रिटी हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह, आज आईएमए के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है। यूँ तो ये हमारा एक परिवार है, इसमें कोई चुनाव की आवश्यकता होती नहीं है, फिर भी कभी कभी लोगों की इच्छा होती है कि भाई चलो हम भी ज़रा देखें हमको चाहने वाले कितने लोग हैं। तो इस दृष्टिकोण से आज ये चुनाव हुआ है और इस चुनाव में प्रेसिडेंट के लिए डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष के लिए डॉक्टर ए.एन. त्रिगुण और डॉक्टर आनंद अग्रवाल को लोगों ने चुन लिया है। ये बड़ी खुशी है कि लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये अपने आप में एक शो करता है कि हाँ हम कितने यूनाइटेड हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं हम मतदान करके, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। ये पक्का शो करता है कि हम एक स्ट्रांग बॉडी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिंदाबाद। मैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, केवल एक और एक होंगी कि हमारा आईएमए बेहतर से बेहतर काम करे और गोरखपुर में उसको एक अच्छी संस्था के तौर पर जाना जाए और आईएमए के सदस्यों के जो भी हित में होगा वो हम लोग सभी मिलकर काम करेंगे। और अभी भी निवर्तमान अध्यक्ष के साथ भी मेरी बात हुई, इनसे के साथ ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग को पूरा सहयोग मिलना है और हम लोग एक अच्छा काम करेंगे।